टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ बुरी तरह से हारने के बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने फांसी लगा ली है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर आई है। दोस्तों अगर आप भी इस खबर को पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड की टीम के साथ था, जिसमें भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवर में 168 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने 63 रन की शानदार पारी खेली। हार्दिक पांड्या के अलावा विराट कोहली ने भी 50 रन की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड की टीम के सामने 169 रन का लक्ष्य था। इंग्लैंड के ओपनर्स ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर 16 ओवर में ही 10 विकेटों से मुकाबला इंग्लैंड की टीम को जिता दिया, और इंग्लैंड की टीम अब टी20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के साथ 13 नवंबर को होगा। दोस्तों इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा काफी दुखी दिखाई दिए। रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में जाकर रोने लगे। दोस्तों ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा से अब बीसीसीआई कप्तानी छीन लेगी और हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के नए कप्तान होंगे।